हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षय एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि सर्वर 2016 में नेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। इससे पहले कि हम कॉन्फ़िगर कर लें, पहले समझ लेते हैं कि हमें नेट की क्या रिक्वायरमेंट होती है किसी भी नेटवर्क में। जैसे मान के चलिए किसी कंपनी में ऐसा है कि उनके पास सर्वर है और वो ये चाहते हैं कि जो इंटरनेट उनके यहाँ पर आ रहा है वो सर्वर सारे क्लाइंट पर डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ऐसा करने के लिए आपको नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सर्वर के अंदर, तभी आपके सारे क्लाइंट उससे इंटरनेट चला पाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम ले रखा है जहाँ पे आपको क्लाउड दिखा रखा है। क्लाउड हमारा ISP है और इससे हमारा इंटरनेट की केबल आ रही है। जो हमारा सर्वर है उसके अंदर एक लेन कार्ड है जिसका नाम मैंने वैन दिया है और यहाँ से वो कनेक्टेड है। और दूसरी तरफ हमारा एक लेन कार्ड और है जिसका नाम मैंने लेन दिया है, उसको IP मैंने 20.1 दे रखा है और वो मेरे क्लाइंट से कनेक्टेड है जिसका IP आपको यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर हम नेट कॉन्फिगर करें और उससे हमारे क्लाइंट पर भी इंटरनेट क्या हो जाए, चल जाए। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको सारी मशीन एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं सर्वर की बात करता हूँ। तो ये रहा मेरा सर्वर, आप देखेंगे इस सर्वर को मैं आपको दिखा देता हूँ। इस सर्वर का IP है हमारा, इसके ऊपर दो लेन कार्ड है, आपको दोनों भी दिख जाएंगे यहाँ पे। इसका नाम आपको दिख ही रहा है SRVR01। एक आपको दिखाई दे रहा है लोकल IP जिसका 20.1 है और एक लेन कार्ड और है हमारा जो वैन है, जो हमने DSCP पे छोड़ा हुआ है। आपको मैं ग्राफिकली दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक हमारा लेन है और एक ये हमारा वैन है। वैन से हमारा इंटरनेट चल रहा है और लेन हमने लोकल के लिए रखा हुआ है। तो पहले देख लेते हैं हमें वैन पे क्या IP मिल रहा है। तो ये हमारा वैन है जिसको हमें 43 के रेंज में कुछ IP मिल रहा है, जिससे हमारा इंटरनेट अभी सर्वर पर चल रहा है। अब हम लेन को भी देख लेते हैं। लेन पे राइट क्लिक करता हूँ और इसका IP भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि लेन को 20.1 IP मैंने दिया हुआ है और DNS में मैंने हमारे वैन का IP डाला हुआ है। वैन का जो DNS मिल रहा था वही DNS मैंने लेन के DNS में भी डाला हुआ है, ताकि हमारा जो भी हम साइट को रिजोल्व करना चाहेंगे तो वो उसे रिजोल्व कर पाएगा। तो एक बार सर्वर पे चेक कर लेते हैं कि नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं CMD चला लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। पिंग google.co.in, दैट मीन्स हमारे सर्वर पे इंटरनेट अभी चल रहा है। तो ये हमारी क्लाइंट मशीन है। इस क्लाइंट का मैं आपको लेन कार्ड चेक करा देता हूँ। ये रहा हमारे क्लाइंट का लेन कार्ड और यहाँ आप देखेंगे मैंने एक मैनुअली IP दे रखा है, क्योंकि अभी हमारे सर्वर पर DHCP कॉन्फिगर नहीं है। तो मैंने उसको दे रखा है 20.2। 20.1 हमारे जो सर्वर है उसके लेन का IP है और 43.1 मैंने DNS में डाला है, जो हमारे वैन का DNS है। और अभी चेक कर लेते हैं कि इस पर इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं CMD ओपन कर लेता हूँ, पिंग करके गूगल से पिंग करा के दिखा देता हूँ। अभी इस पर इंटरनेट नहीं चल रहा है क्योंकि अभी हमने नेट कॉन्फिगर किया नहीं है। आफ्टर नेट हमारा नेट चलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी चलेगा नहीं, भी एरर आ जाएगी थोड़ी देर में, अभी देख लेते हैं। तो एरर आ गई, अभी नेट नहीं चल रहा है। अब हम सर्वर पे चलते हैं और हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेन सर्वर है। तो यहाँ आप देखेंगे कि अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा। ये अभी हमारा नॉर्मल सर्वर है जिसके अंदर सिर्फ मैंने नेम और IP डिफाइन कर रखे थे। अब हमारे को नेट करने के लिए राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस का जो रोल है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं। आपको मैनेज पे जाना है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, उसके बाद वापस नेक्स्ट करना है, एक बार और नेक्स्ट कर दें आप। तो यहाँ पे आपके सारे रोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ आपको लेना है रिमोट एक्सेस का रोल लेना है, यहाँ पे राइट लगा दें और नेक्स्ट कर दें, उसके बाद अगेन नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको राउटिंग लेना है। जैसे ही आप राउटिंग पर राइट लगाएंगे तो आप देखेंगे डायरेक्ट एक्सेस पर ऑटोमेटिक राइट आ जाएगा। तो दोनों पे राइट लगे रहने दें और नेक्स्ट कर दें, उसके बाद एक बार और नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। अब रीस्टार्ट पे राइट लगा दें। अगर सर्वर को लगता है कि इस रोल के बाद रीस्टार्ट के रिक्वायर्ड है तो वो उसे रीस्टार्ट कर लेगा और फिर इंस्टॉल कर लेता है। तो इस तरीके से हम हमारा क्या कर लेंगे, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस का जो रोल है उसे इंस्टॉल कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा और उसके बाद आपका रोल क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए हमारा ये रोल पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। इससे यहाँ पे आप क्लोज कर लें, टूल्स पे क्लिक करना है और उसके बाद हम चला लेंगे हमारा राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। तो कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होगी और यहाँ पे आपको रेड सिंबल दिखाई देगा क्योंकि अभी हमने इसे कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो इसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको जहाँ पे आपका सर्वर का नाम दिखाई दे रहा है और उसके बाद आपको कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे
तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ आपको नेट सेलेक्ट करना है, जहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि नेट का मतलब क्या होता है। नेट का मतलब ये होता है कि जो हमारा पूरा प्राइवेट नेटवर्क है वो एक पब्लिक आईपी पर क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर मैं हमारे एग्जाम्पल से बात करूं तो हमारे एग्जाम्पल में 20 वाला जो पूरा नेटवर्क है वो एक वेन के आईपी पे, जो हमारा वेन के पोर्ट पे कॉन्फिगर है, उस पर क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। तो हमें यही करना है, इसलिए हमने नेट सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ आपको दो पोर्ट दिखाई देंगे, आपके लेन और वेन। यहाँ आप उस पोर्ट को सेलेक्ट करना है जिससे आपका इंटरनेट चल रहा है। तो मेरे केस में इंटरनेट मेरा किससे चल रहा है, वेन से चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लिया, वेन सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे और फिर फिनिश कर देना है। हमारा रोल इंस्टॉल हो रहा है, वेट, अभी इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पर ग्रीन सिंबल आ जाएगा। दैट मीन्स हमने सही से क्या कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है, सॉरी कॉन्फिगर कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन सिंबल आ गया है, मतलब हमने नेट अच्छी तरीके से क्या कर लिया है, कॉन्फिगर। अब यहाँ आप नेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको लेन और वेन का पोर्ट दिखाई दे रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं कि इस नेट के बाद हमारा इंटरनेट क्लाइंट पर चला या नहीं चला। तो चेक कर लेते हैं, ये मैं वेन पर आ जाता हूँ और यहाँ मैं नेट चेक करके देखता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने पिंग करा था तब रिप्लाई नहीं आ रहा था, अब वापस चेक करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा नेट क्या हो गया है, चल गया है। ठीक है, मैं एक बार ब्राउजर पे भी चला के दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने एक्सप्लोरर चलाया और यहाँ पे मैं आपको कुछ साइट एक्सेस करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट की साइट वैसे ही एक्सेस हो जाएगी क्योंकि हमारा इंटरनेट चल पड़ा है। और अब हम गूगल भी चला के देख लेते हैं कि गूगल चल रहा है या नहीं चल रहा, google.co.in। तो आप देखेंगे कि हमारा इस तरह से नेट हमारे क्लाइंट पर क्या हो चुका है, चल चुका है। ये नेट टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सर्वर के थ्रू इंटरनेट क्लाइंट पर चला सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।